ये शिव की मूर्ति बेसाल्ट द्वारा बनाया गया, बेसाल्ट पत्थर द्वारा बनाया गया मुंबई महाराष्ट्र संग्रहालय में, जो कि छत्रपति शिवाजी संग्रहालय है, पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम था। छठी शताब्दी का मध्य में बना ये मूर्ति है श्रीमती केसरबाई सदानंद परलकर द्वारा भेंट किया गया था। सिमुर्ग की अध्यक्षता में पक्षियों की सभा अनवरे सुहेली की सचित्र पांडुलिपि का चुनिंदा पन्ना ये है। मुगल काल में 1575 ईस्वी में डॉक्टर अलमा लतीफ़ी के संग्रह से श्रीमती लतीफ़ी की ने भेंट किया था, ऐसा कि आप देख सकते हैं। यह पेंटिंग भारतीय मायना मुगल काल में 1625 से 1630 ईस्वी में बनाई गई है, ध्यान दीजिएगा। यह दक्कन शैली में बनाया गया पहाड़ी बकरी का सचित्र चित्रण हुआ है, जो कि हैदराबाद में बनाया गया है दक्कन शैली, और 17वीं शताब्दी सदी के शुरुआती समय में ये बनाया गया है। ये देखिए, ये पेंटिंग जो है यह दो योगिनियों का पेंटिंग है, और पेंटिंग बहुत छोटा है, लेकिन बॉर्डर जो है ठीक है, लाइन बॉर्डर और हाशिया गजब का प्रयोग किया गया है, बहुत ज़्यादा। मुगल 17वीं शताब्दी में ईस्वी के अंतिम दशक में ये बना है। चार रागनियों की चित्रात्मक प्रस्तुति वाला ये पेंटिंग है, जो कि 17वीं शताब्दी में मुगल वंश में बना था, मुगल वंश के अंतिम दशक में। ध्यान से देख लीजिए, ये आभूषण मंजूषा है, कछुए के खोल पर हाथी दांत का काम किया गया है। इसमें संगीत का आनंद लेती महिला 18वीं शताब्दी में शुरुआती दशक में सर रतन टाटा कला संग्रहालय में।
अश्वमेघ यज्ञ रामायण की पोथी का एक चित्रित पन्ना, चित्रकार मनोहर, राजस्थानी शैली, उदयपुर, संवत 1706 से 1649 ईस्वी। अश्वमेघ यज्ञ करते हुए यह रामायण की पोथी का एक चित्रित पन्ना है। इस पेंटिंग को हम शिव परिवार कहते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, जो कि पहाड़ी शैली से, पहाड़ी के गढ़वाल शैली से 18वीं शताब्दी में ये बना है। होली के त्यौहार का जीवंत चित्रण, राजस्थानी उदयपुर शैली, 18वीं शताब्दी ईसापूर्व के अंतिम दशक में यह पेंटिंग बनाई गई है। इसके बाद यह पेंटिंग नाना फडवीस का व्यक्ति चित्र है, कि दक्कन सतारा की पेंटिंग है, 1854 ईस्वी में रचित प्रतिलिपि है। शेष साई विष्णु पहाड़ी कांगड़ा 1790 ईस्वी में यह बनाई गई है। पहाड़ी कांगड़ा शैली का है। इसके बाद अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हाथी दांत पर चित्रकारी की गई है। मुगल समय दिल्ली 20वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध सर रतन टाटा कला संग्रहालय में सुरक्षित